भारतीय दंड संहिता ने महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। सीआरपीसी की धारा 46A के अनुसार किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति आई कि महिला को रात में ही गिरफ्तार करना होगा तो पुलिस को एरिया मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। सीआरपीसी की धारा 46 के मुताबिक महिला को केवल महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है, कोई पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता। सीआरपीसी धारा 55A के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस को रखना होता है। दंड संहिता के अलावा भारतीय संविधान ने भी आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानून ढंग से गिरफ्तार किया जाता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी। अपराधी को अपराध करते वक्त जो कानून है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। अपराध करने के बाद अगर कोई नया कानून बना तो उसके हिसाब से सजा नहीं हो सकती। पुलिस किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया हो तो उसे तीन तरह की स्वतंत्रता मिलती है। पहली, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरी, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और तीसरी, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार होगा।